अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 अपॉन 2 रूट 5। ओके, 3 अपॉन 2 रूट 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगेन नीचे इरेशनल नंबर है, उसे हमें रैशनल नंबर करना है, तो हम सेम चीज़ को सिर्फ रूट फाइव को ही, अब ये नहीं कि 2 रूट 5 है तो ऊपर नीचे 2 रूट 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल नहीं, हमें सिर्फ रूट फाइव को चेंज करना है। 2 तो हमारा ऑलरेडी रैशनल नंबर है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, रूट फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, रूट फाइव, ओके, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 3 into √5 इज नथिंग बट 3√5। ओके, एंड 2√5, √5 और √5 मल्टीप्लाई होके अगेन क्या आएगा, √25। √25 इज नथिंग बट 5। ओके, 3/2 × √5 की वैल्यू 5, और ऊपर एक 3 के साथ √5 था वो भी। ओके, तो ये 3√5, नीचे आएगा 2 × 5 = 10, और √5 तो एक था ही, तो आएगा हमारा फाइनल आंसर 3/10 √5, जो कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से निकाला था और लाइव सॉल्व करके भी बता दिया। ठीक है, तो हमें सिर्फ इरेशनल को रैशनल करना है, रैशनल को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, रूट वाले टर्म को हमें सिर्फ रैशनलाइज करना है, तो सिर्फ हमें रूट वाले टर्म को चेंज करना होगा। ठीक है, इसीलिए 2√5 डिनोमिनेटर में था, तो हमने सिर्फ √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, क्योंकि √5 इरेशनल नंबर है, √2 तो जो है वो रैशनल ही है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आओ।